आपने अरविंद केजरीवाल भगवंत मान से मुलाकात की, बधाई दिया, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ बातें हुई? आज आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल साहब से स्पेशली मिलने के लिए आए, क्योंकि इनके आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद से जो पंजाब में बाई इलेक्शन हुआ है जलंधर का, तो उसमें बहुत बड़ा जो जन समर्थन है जलंधर के लोगों का मिला है। सो इसलिए मैं अरविंद जी का धन्यवाद करने के लिए आया हूं, और साथ में हमारे मुख्यमंत्री पंजाब श्री भगवंत मान साहब भी साथ थे। सो मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने जो पंजाब में जो एक साल में जो काम किए हैं, जन कार्य किए हैं, उनकी वजह से बहुत बड़ा जो समर्थन है पंजाब में जलंधर के लोगों ने जो आम आदमी पार्टी के हक में दिया है। रिंकू जी, बात क्या हुई आज, क्योंकि पार्टी सुप्रीमो से आप मिले हैं और आप ही सोल वॉइस होंगे वहां पर लोकसभा के अंदर, जहां पर होंगे केड़े मुद्दे और रहने वाले ने जेड़े चुकोंगे पंजाब दे। देखो, जलंधर दे विच खास करके जलंधर लोकसभा दे विच बहुत सारे फ्लाईओवर जेड़े रुके है, सड़कां बनन वाली ने, उदे नाल नाल जलंधर दे विच एयरपोर्ट है जिहड़ा आदमपुर दे विच वो बंद पिया, वह शुरू करवाण वाला है। इस तो अलावा इंडस्ट्री दे जिहड़े मसले है, इन्हां सारिआं नूं जिहड़ा लोकसभा दे विच जिहड़ी इन्हां दी आवाज़ लैके जावांगे। भाई केजरीवाल साहब नाल मिले हो, की गल होई, कुछ उन्हां वल्लों गुरमंत्र दित्ता गया? देखो, उन्हां दा तां आशीर्वाद ही बहुत है, और क्योंकि कल रिजल्ट आया सी, मैंबर पार्लीमेंट मैं बन चुके हैं, सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, और मैं जलंधर दे निवासियों आप सब दे राही ये मैसेज देना चाहना कि जिहड़े वादे साडे पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने जलंधर दे लोगों दे नाल कीते है, सहुं चक समारोह जिहड़ा ओह सैरामनी है, वह तो जो टाइम आएगा उदों होएगी, और अज तो ही जिहड़े वह जिहड़े वादे आ, वह जिहड़े कम है, उन्हां नूं अमली जामा पहनाना, जिहड़ा उहदी प्लानिंग है जिहड़ी, उहनूं उहदी सारी शुरुआत जिहड़ी है आज तो ही की जाए। रिंकू जी, लेकिन आपके पास समय अभी इस कार्यकाल में कम से कम बहुत कम है, उसमें क्या क्या आप लोगों ने? भाई समय बहुत काट है। देखो, समय की जो बात है, हम जो अगला रोड मैप है जलंधर लोकसभा का, वो 11 महीने का लेकर नहीं चल रहे, जो हमारा रोड मैप है आने वाले जो 5 साल है वो भी साथ में इंक्लूडेड है। हमारा जो रोड मैप हम लेके जा रहे हैं वो अगले 5 साल का भी साथ में लेके चल रहे हैं। थैंक यू।